आपने कहा कि मुझसे सवाल राजनीति पे पूछा जाता है, तो ये अनायास राजनीति के सवाल आपके सामने आते हैं या आपको लगता है कि कुछ समय तक चर्चा में नहीं है तो कुछ राजनीतिक बात भी करनी चाहिए तो चर्चा ज्यादा होगी? मैं कभी भी चर्चा के लिए ना कोई काम करता हूं, ना कोई विवाद खड़ा करता हूं, कोई कंट्रोवर्सी खड़ा नहीं करता, मैं अपना काम करता हूं। अब काम करते करते चर्चाएं होने लगती तो मैं क्या करूं? विवाद करते हैं, मैं हर विवाद को, हर अफवाह को, हर षड्यंत्र को अपनी ताकत में तब्दील करने का हौसला रखता हूं। ध्येय मार्ग पर चले वीर तो पीछे अपना निहारो, वीरो हिम्मत कभी ना हारो। मैं अपने रास्ते पर चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी। बड़ा अच्छा वातावरण है ना, तो कुछ अच्छे भजन भी होने चाहिए। चला जा रहा हूं मैं राह पर तुम्हारी, राह में आए जो तूफान बारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, तू भी है और तुम भी मेरे साथ रहो मेरे प्रभु। कुछ कह रहे थे आप, बड़े मुस्कुरा रहे थे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतने साल बाद ये जो कोशिश अब हो रही है कि मोहन भागवत जाते हैं मदरसे में, मदरसे की तरफ से कहा गया तो राष्ट्रपिता हैं, ये कोशिश क्या दिखाता है? ये कोशिश ये दिखाता है कि भारत अब एकता, अखंडता और संप्रभुता के रास्ते पर परम वैभवशाली भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सब मिलजुल करके चलेंगे तो ही देश बनेगा और देश बचेगा। मैंने ट्विटर से सवाल पूछे थे और ट्विटर से बहुत सारे सवाल आए, और ये जो सवाल है ये बहुत सारे लोगों ने भेजा। मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूँ, प्रिंस कुमार, विशाल BHU, मोतीलाल शर्मा, दीपक सिंह, अरे आप खुद ही पूछ लो ना, मनीष भारद्वाज, राकेश यादव, आदर्श तिवारी। सवाल छोटा सा है, काला धन कब आएगा? काला धन कुछ आ गया, कुछ आ जाएगा, कब आएगा? मोदी जी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। देखो, जब वो प्रधानमंत्री बने मैंने उनको कहा कि अब काला धन लाना, भ्रष्टाचार मिटाना, देश का व्यवस्था परिवर्तन से लेकर के स्वदेशी गौरव इस देश में पुनः प्रतिष्ठापित हो, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, अब देश सभी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राज और अलग अलग प्रकार की शिक्षा चिकित्सा की गुलामियों से मुक्त हो, ये काम अब आपके ऊपर है। मैं ठीक करूंगा लोगों का काला मन, आप ठीक करो काला धन। तो काला धन बढ़ रहा है स्विस बैंकों में, ये भी आपने पिछली बार मुझे बताया था। ऐसा जो है, आप भी, मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं कि काले धन के ऊपर भी मोदी जी काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था भी सही दिशा में कैसे आगे बढ़े, क्योंकि पूरी दुनिया में फिर से मंदी का दौर चल रहा है। तो एक देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनको काम करने चाहिए वो लगभग लगभग 18 घंटा काम करते हैं। अब आप तो काला धन की बात कर रहे हो, लोग तो कहते हैं बाबा 30-35 रुपए का पेट्रोल दिलाओ। ये भी सवाल है मेरे पास आगे, उसका क्या, वो कब होगा? वो यदि टैक्स हट जाए या घट जाए तो मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है, एकदम पक्की बात कह रहा हूं, तो बेखौफ कह रहा हूं। तो आप क्यों नहीं उस पे प्रयास करते? अब टैक्स ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं इनको, शायद देश भी चलाना है इसलिए जो है वहां से अच्छा टैक्स मिल जाता है। तो आपने पहले वादा क्यों कर दिया था? पहले मैंने कहा था टैक्स, मैं कोई गवर्नमेंट थोड़ी चला रहा हूं, मैंने कहा था ऐसा होगा तो, मैं नीतियों की बात कर रहा था, देश में ऐसी नीतियां होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कुछ देश में और ज्यादा, जितना चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, एप्पल तो मैंने सुना आ रहा है, जितना चीन में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है यदि भारत में शिफ्ट हो जाए तो टैक्स घट सकता है, और टैक्स कम होगा तो लोग भी जो बाहर छोड़ के देश जा रहे हो उसका एक कारण टैक्स भी हो सकता है, कुछ लोग कंफर्ट लेवल में ज्यादा जीना चाहते वो तो जाएंगे छोड़ें। एक सवाल है कमर वहीद नकवी जी का, जो जर्नलिस्ट हैं जी, आप जानते होंगे उनको। जी साहब, उन्होंने पूछा कि ईश्वर न करे ऐसा हो, पर अगर आपको कभी एलोपैथी की जरूरत पड़े मेडिसिन की तो क्या आप अपना इलाज करवाएंगे? मैं नकवी साहब से दो बातें कहना चाहता हूं, मैंने हमेशा कहा है सर्जरी, अब कहीं टूट फूट होगी, मैं वैसे तो कोई अपने आप तो टूटने फूटने वाला हूं, कोई एक्सीडेंट हो गया और कहीं जोड़ना पड़ता है तो कोई एपैथी नहीं है, ये एक सर्जरी है, एक शल्य चिकित्सा, एक विज्ञान है जिसके आदि प्रवर्तक महर्षि सुश्रुत हैं। तो सर्जरी में और लाइफ सेविंग ड्रग्स, पहली बात तो मुझे ना कभी हार्ट अटैक होने वाला, ना कभी ब्रेन हेमरेज होने वाला, ना लीवर किडनी फेल होने वाली, मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली। हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स काफी एडवांस बना दिए हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी में मॉडर्न मेडिकल साइंस, एलोपैथी बहुत एडवांस है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।
मैं अंधा विरोधी नहीं हूं, किसी का ना अंधभक्त हूं, मैं लॉजिकली बात करता हूं। इसलिए मैं एलोपैथी का दुश्मन हूं ऐसा सोचना ये मूर्खता है। आप ही अंधभक्त तो हैं। किसके? पतंजलि के। पतंजलि तो हमने एक विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा किया, और आज जैसे साउथ कोरिया ने, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, अलग अलग कुछ देशों में बड़े बड़े ब्रांड खड़े किए, तो मुझे गौरव है कि बड़ा ब्रांड खड़े करें और वो भी ऋषि के नाम से और राष्ट्र के लिए। तो अंधभक्त है ना। देश के लिए अंधभक्ति होनी चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।